हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 512.90 की करंट प्राइस चल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक में ऑलमोस्ट 125% से भी ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंट 52 वीक हाई इसने 542 पे लगाया। हाई लगाने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली फॉल देखने को मिला, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे एक जोन हमने ड्रॉ किया है जो कि पहले एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। एग्जैक्टली इसी लेवल से मल्टीपल टाइम हमें स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ये वाला जो सपोर्ट अभी जो है रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन बन चुका है। आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए 503 से लेके 513 का 10 पॉइंट्स का है। आज की भी कैंडल आप देख सकते हो एग्जैक्टली हैमर बनते हुए दिखाई दे रही, इसी पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर इसके अंदर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऊपर के लेवल से ही पहले से ही बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ही होल्ड करना, क्योंकि यहां से अगर फॉल करेगा तो नीचे के साइड में नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक जाएगा ऑलमोस्ट 485 तक। ठीक है दोस्तों, चांसेस तो ज्यादा ही कि यहीं से स्टॉक में तेजी हमें ऊपर की ओर तेजी बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां पे ऑलमोस्ट बन चुका है 535 से लेके 540 का। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर और भी काफी अच्छी तेजी हमें स्टॉक में अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक तो आपको सारी चीज समझ में आ चुकी है। टिकर टेप वेबसाइट पे चलते हैं। टिकर टेप वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। पिछले एक साल के रिटर्न आप देख सकते हो 125.16 इसकी करंट प्राइस जो है रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन एवरेज है, ग्रोथ लो है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हाई देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छी बात है। बात करते हैं एंट्री पॉइंट की, क्योंकि स्टॉक अंडर प्राइस्ड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो आप यहां से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर टेप वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाएं नो रेड फ्लैग चेक कर ही करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, जिसका मार्केट कैप 3,23,235 CR का है। स्टॉक में हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफी शानदार रिटर्न हमें पिछले एक साल में देखने को मिले हैं। आगे आने वाले एक साल में भी ऐसे ही रिटर्न देखने की उम्मीद इसके अंदर रहेगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो फोरकास्ट एंड रेटिंग पे, रेटिंग में यहाँ पे 23 एनालिस्ट 78% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छी सलाह, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके चलते जल्दी स्टॉक में काफी अच्छी तेजी, काफी अच्छा बाउंस हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ये जो आप गिरावट देख रहे हो टेम्पररी हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ओवरऑल मार्केट ग्लोबल मार्केट में भी फॉल देखने को मिल रहा है, इसके चलते इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सपोर्ट की वजह से आप देख सकते हो फिर से ऊपर की ओर उछाल दिखने को मिल रहा है। फिर भी हमें जो है स्टॉप लॉस और नेक्स्ट सपोर्ट जोन याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको सारी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई। डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।